जय हिंद दोस्तों, आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस तरह चरमराई हुई है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगले साल पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इमरान खान ने जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक नई तरकीब अपनाई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए एक सिटीजनशिप स्कीम लॉन्च की, जिसको आम भाषा में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या CIP कहा जाता है। इसके तहत दुनिया भर के अमीर लोगों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के बदले परमानेंट सिटीजनशिप देने की बात की गई। ये स्कीम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहास में पहली बार फॉरेनर्स को पाकिस्तान के रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन जिस देश के खुद के वेल्दी सिटीजन्स यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, UAE और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस देश में क्या बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करना चाहेंगे? और तो और, जहां महंगाई आसमान छू रही है और करेंसी की वैल्यू जमीन में धंसती जा रही है, ऐसे देश में क्या कोई सिटीजनशिप लेना चाहेगा? खैर, कोई सिटीजनशिप ले या ना ले, लेकिन यहाँ पे अहम सवाल ये है, क्या इस तरह के शॉर्ट टर्म अनाउंसमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी में सच में कोई सुधार कर पाएंगे? क्या इस तरह के मेजर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बूस्ट कर पाएंगे? आज हम इन्हीं सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिस वजह से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान की नई सिटीजनशिप पॉलिसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन सेल्स की मीटिंग हुई, जिसको कि इमरान खान हेड कर रहे थे। इस मीटिंग में पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन अफजर एहसन ने पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को प्रपोज किया। हालांकि इस स्कीम को तब तक वेल्दी अफगान नेशनल के लिए प्रपोज किया गया था, क्योंकि तालिबान के टेक ओवर के बाद रिच अफगान सिटीजन्स टर्की, मलेशिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाके सेटल हो रहे थे। लेकिन अफजर एहसन के मुताबिक अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट होती है तो अफगानिस्तान के साथ साथ बाकी देश के सिटीजन्स के लिए भी वैलिड होगी। उनके मुताबिक इस स्कीम में कनाडा और US के सिख को भी टारगेट किया जाएगा, जो करतारपुर कॉरिडोर जैसे रिलीजियस साइट पे इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। साथ ही इसमें उन चाइनीज नेशनल को भी जगह दी जाएगी जो पाकिस्तान में नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए बताया कि ये पॉलिसी पाकिस्तान के फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंतर्गत लाई गई है, जिसमें देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर ध्यान देने की बात की गई है। द डॉन के मुताबिक इमरान खान ने इस स्कीम को देखते हुए इसे मंजूरी दी है। उदाहरण के तौर पर टर्की ने 2017 में ऐसी ही CIPC स्कीम लॉन्च की थी, जो बाद में वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर और सक्सेसफुल CIP स्कीम बन गई उभरी। खैर, इस स्कीम की ब्रीफ ओवरिंग के बाद आइए आपको स्ट्रक्चर इशू से रूबरू कराते हैं, जिससे यह पता चलता है कि स्कीम अपने मकसद में ज्यादा सफल नहीं हो सकती। दोस्तों, यहाँ हम उन फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में कोई भी सिटीजन किसी दूसरे देश में सिटीजनशिप लेने और अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सोचता है। सबसे पहला फैक्टर है इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। दोस्तों, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी दिवालिया होने के कगार पे है। देश में महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन 2020 के कंपैरिजन में लगभग 9.2% बढ़ा है। इसका कारण देश में बढ़ते पोर्ट्स को बताया गया है। पाकिस्तान में आज मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट हो रही है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान में वेजिटेबल और शुगर इंपोर्ट का बिल 50% बढ़ चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि $10 बिलियन से ज्यादा आज पाकिस्तान के फूड इंपोर्ट पे खर्चा होता है, जबकि आज से एक दशक पहले पाकिस्तान फूड का नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था। इसी के साथ गवर्नमेंट का करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के खर्चे उसके इनकम से कई गुना ज्यादा है। इसी वजह से गवर्नमेंट को फॉरेन डेट का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन कोई कंट्री ज्यादा दिन तक फॉरेन डेट पे नहीं टिक सकती। पाकिस्तान की हालत भी कुछ वैसी ही है। आज पाकिस्तान के सिर पे $115 बिलियन का कर्ज चढ़ चुका है। और तो और, इन लोन्स का इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि आज पाकिस्तान के एनुअल बजट का मैक्सिमम हिस्सा इस ब्याज को चुकाने में चला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हिस्सा देश के डिफेंस और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से भी कई गुना ज्यादा है। हालात ये है कि पाकिस्तान को एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज और दूसरा कर्ज चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। बात करें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की, 2018 में पावर में आने के बाद इमरान खान गवर्नमेंट ने देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की तमाम कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के कंपैरिजन में 2021 के फर्स्ट हाफ में पाकिस्तान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 30% की गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के पर बुरा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, आज पाकिस्तान का आयरन ब्रदर चाइना भी पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को लेकर चौकन्ना है। 2013 में पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरुआत के साथ चाइना US और UK को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान के FDI में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया। लेकिन 2019 में जो FDI $859.3 मिलियन के आसपास था,
वो 2020 में घट के 650.8 मिलियन डॉलर पहुंच गया। रिपोर्ट्स बताती है कि इसका अहम कारण पाकिस्तान का बढ़ता डेट बर्डन ही है, जिसे इमरान खान गवर्नमेंट ने 3 सालों में ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। साथ ही पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही चाइनीज कंपनीज और CPEC अथॉरिटीज के बीच करप्शन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री CPEC प्रोजेक्ट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है। इससे साफ हो जाता है कि क्यों चाइना CPEC के सेकेंड फेज में इन्वेस्टमेंट करने से कतराता है। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर चाइना का डेट IMF के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा है, जिससे ये खतरा है कि अगर पाकिस्तान लंबे समय तक इस कर्ज को नहीं चुका पाया तो वो पूरी तरह चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर होगा। दोस्तों, इसके अलावा इमरान खान गवर्नमेंट के अंडर पाकिस्तानी रूपी की वैल्यू 44% गिर चुकी है। 2018 में US डॉलर की वैल्यू 123 पाकिस्तान रूपी थी, लेकिन आज वो बढ़कर 177.49 पाकिस्तानी रूपी हो गई है। 21 के साथ आज पाकिस्तानी रूपी दुनिया के वर्स्ट परफॉर्मेंस करेंसी में से एक है। और तो ये केवल US डॉलर के टर्म्स में ही नहीं बल्कि दुनिया की सभी करेंसीज के रिस्पेक्ट में गिरती जा रही है। दोस्तों, US गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट ऑफ 2020 के मुताबिक पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसीज हमेशा से इनकंसिस्टेंट रही हैं और ये हर गवर्नमेंट के पॉलिटिकल मोटिव्स के अनुसार बदलती आई हैं। इसी के साथ पाकिस्तान में अलग अलग प्रोविंसेस में टैक्स और बिजनेस पॉलिसीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हैं। वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दूसरे देशों से 34 टाइप्स के टैक्सेस चार्ज करता है, जबकि बाकी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज वन एन एवरेज केवल 26 टैक्सेस चार्ज करती हैं। साथ ही पाकिस्तान टैक्स पेमेंट को एडवांस में डिमांड करता है। इसके अलावा पाकिस्तान किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव जैसे कि लो टैक्सेस या इजी लोन प्रोवाइड नहीं करता है, तो इस तरह के अनस्टेबल टैक्स रिज्यूम इन्वेस्टर्स को और भी ज़्यादा डिस्करेज कर देती है। ऊपर से IMF की लोन की वजह से पाकिस्तान को सीवियर इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ती है। दोस्तों, ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर के मिलने वाले रिटर्न्स को डिसाइड करते हैं। पाकिस्तान में इन फैक्टर्स के पुअर परफॉर्मेंस इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती है। दोस्तों, कोई इन्वेस्टर किसी भी देश में इन्वेस्ट करते समय केवल वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस को नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस जैसे फैक्टर को भी कंसीडर करता है। बात करें पाकिस्तान की तो वहाँ उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सिविलियन गवर्नमेंट से ज़्यादा मिलिट्री चलाती है, यानी कि अल्टीमेट अथॉरिटी सिविलियन गवर्नमेंट के पास नहीं बल्कि मिलिट्री अथॉरिटीज़ के पास होती है। चाहे वो वॉरफेयर पे जाना हो या टैक्स की मनी को इन्वेस्ट करना हो, पाकिस्तान में ये सभी डिसीजंस उनकी मिलिट्री लेती है। पाकिस्तान में शुरुआत से ही गवर्नमेंट और मिलिट्री रिलेशंस खराब रहे हैं, इसी वजह से पाकिस्तान को आज तक कई मिलिट्री क्रूज झेलने पड़े। इस दौरान मिलिट्री ने गवर्नमेंट को हटा के ना तो पूरी देश की सत्ता अपने हाथ मिली बल्कि सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी चकनाचूर कर दिया और पूरे देश को आयरन हैंड के साथ रूल किया। हालांकि इन सभी क्रूज के पीछे मिलिट्री ने सिविलियन गवर्नमेंट की पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और करप्शन का सहारा लिया, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि मिलिट्री रूल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी और भी ज़्यादा खराब थी। तो कुल मिला के मिलिट्री की एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट देश की गवर्नेंस क्वालिटी और इकोनॉमी दोनों पे प्रभाव डालती है और इसका सीधा असर इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान में डुअल सिटीजनशिप भी है, यानी आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स, पॉलिटिशियंस और रिच बिजनेसमैन इस प्रोविजन को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। वो पाकिस्तान में इनलीगल तरीकों से प्रॉफिट जनरेट करते हैं और इस प्रॉफिट को दूसरे देशों में अपने फैमिली मेंबर्स को लग्जरियस लाइफ के लिए खर्च करते हैं और रिटायरमेंट के बाद खुद भी वहीं सेटल हो जाते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि इन लोगों का एक पांव पाकिस्तान में और दूसरा पांव US और कनाडा में होता है। दोस्तों, इस तरह का एटीट्यूड भी पाकिस्तान में पूरे इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा कारण है। एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने हाल ही में पाकिस्तान को क्रेडिट वर्थिनेस के लिए B रेटिंग्स प्रोवाइड की। क्रेडिट वर्थिनेस यानी वो वैल्यू जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कितने ज़्यादा रिटर्न्स दे पाते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में वीक डेवलपमेंट और पुअर गवर्नेंस उनकी स्ट्रक्चरल वीकनेस को उजागर करती है। दोस्तों, इस तरह की रेटिंग इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट के ऊपर रिस्क बढ़ा देती है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि पीस और अनस्टेबिलिटी के बिना किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ नामुमकिन है। इसी वजह से टेररिज्म पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बुरा प्रभाव डालता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टेररिज्म में 1% इंक्रीज पाकिस्तान के FDI को 0.1%, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को 0.039% और इकोनॉमिक ग्रोथ को 0.002% डिक्रीज कर देता है। पाकिस्तान में टेररिज्म और उससे जन्मी हिंसा देश के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल पर भी बुरा प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से केवल फॉरेन इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ से दूर ले जाते हैं। अब चूंकि टेररिज्म के चलते देश का ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाती है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और भी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। और तो टेररिज्म से लड़ने के लिए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च किया जाता है।
जिससे देश के बाकी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को लो फंडिंग्स मिलती है, जिससे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए एक लेस फेवर्ड डेस्टिनेशन बन जाता है। तो यहाँ एक तरह की विशेष साइकिल बन गई है, जहाँ ये सभी इंटरडेटेड फैक्टर्स एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के ट्रेड फाइनेंशियल लॉज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मेल नहीं खाते, जिस वजह से पाकिस्तान 2008 के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में रखा गया है। रिपोर्ट्स बताती है कि इसी वजह से 2008 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान के जीडीपी में 38 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में बढ़ते टेररिज्म की वजह से उसके ब्लैकलिस्ट में आने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। साथ ही टेररिज्म को काउंटर करने की वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक सैंक्शंस भी झेलने पड़ते हैं। तो जाहिर है कि इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर है। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2019 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 180 कंट्रीज में से 120 पोजीशन पे था। इस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन की प्रॉब्लम्स चार चीजों की कमी की वजह से है, जिसमें पहली है ट्रांसपेरेंसी, दूसरी है स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज, तीसरी है मेरिट बेस्ड प्रमोशन और आखिरी है स्टैंडर्ड सैलरीज। इन चीजों की कमी की वजह से वहाँ पे लोग करप्शन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये तो पाकिस्तान में रिश्वत लेना और देना इनलीगल है, लेकिन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हर लेवल पे खुलेआम देखने को मिलता है। दोस्तों, बात करें जुडिशरी की, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कंडीशन तो बेटर है, लेकिन लोअर कोर्ट में बहुत ज्यादा करप्शन और इनसफिशियंसी है। साथ ही साथ इन कोर्ट्स पे रिच रिलीजियस और पॉलिटिकल फिगर्स का काफी ज्यादा कंट्रोल है। इसके साथ जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट और मिलिट्री का काफी कंट्रोल भी है। इसकी वजह से कोर्ट के इंडिपेंडेंस पे पूरा असर पड़ता है। यूं तो पाकिस्तान में एक एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन भी फंड्स और स्टाफ की कमी से जूझ रही है, जिससे इसके काम पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये सभी फैक्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो कुल मिला के ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जिसके हिसाब से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना आज बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। वो इसका सारा ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल देते हैं, जो पूरी कंडीशंस को और भी ज्यादा खराब कर देता है। खैर, इस डिस्कशन के बाद आज समझ चुके होंगे कि अगर पाकिस्तान सच में देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है, तो उन्हें इन सभी सेक्टर्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे। हालांकि आज पाकिस्तान में बढ़ चढ़ के जियो इकोनॉमिक जैसे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। जियो इकोनॉमिक्स में वो मेजर्स आते हैं जिससे पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को सुधार सकता है, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट तब तक कारगर नहीं साबित होगा जब तक पाकिस्तान डोमेस्टिक लेवल पे इन स्ट्रक्चरल वीकनेस को इम्प्रूव ना करे। दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तान के नए पॉलिसी और उसके सिटीजनशिप की। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको यह पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। तो मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जय तक के लिए जय हिंद।